थैंक यू जी। गुल मोहम्मद जागरानी साहब जी, ये 5 से 7 मिनट में इमरान के साथ अगर मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंटरप्ट ना करूं, लेकिन 5 से 7 मिनट में और स्पेसिफिक मोशन ऑफ थैंक्स पे अगर बात हो जाए जी। थैंक यू जी। जी गुल मोहम्मद जागरानी साहब जी। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बात करने का मौका फराहम किया। सबसे पहले मैं सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने 4 मरतबा इस पार्लियामेंट को खिताब करके जमहूरियत का बोल बाला कर दिया है और उसके साथ साथ मुल्क को दरपेश जो मसाइल हैं वो इशूज़ उन्होंने रेज़ किए हैं। मुझसे पहले काफ़ी, जब से ये सेशन चल रहा है, मेरे काफ़ी मौजूद मेंबर साहबान ने उसमें अपने ख्यालात का इजहार किया है। मैं समझता हूँ इस जमहूरी दौर में हमारे सदर साहब ने जो तारीखी कारनामे सरंजाम दिए हैं उसमें एक तो यह है, पाकिस्तान के तारीख में पहली मरतबा सदर पाकिस्तान ने अपने अख्तियारात पार्लियामेंट को और प्राइम मिनिस्टर के हवाले किए हैं। उससे पहले ऐसा कोई नज़ीर नहीं मिलता। जो भी सदर रहे हैं, खुसूसन डिक्टेटर आमिर, वो ज़बरदस्ती जिन्होंने हमला करके जमहूरियत को ख़त्म करके उन्होंने कब्ज़ा किया, तो उन्होंने हमेशा आइन में तब्दीलियाँ लाकर अख्तियारात अपने पास रखे हैं, जिसमें इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा है। और सदर पाकिस्तान ने एक ऐसी रवायत कायम की है, मैं समझता हूँ वो तारीख का एक हिस्सा रहेगा। उसके साथ साथ यहाँ कौमों के या इकाइयों के इस मुल्क के अंदर जो दरपेश मसाइल गुज़श्ता 64 साल से रहे हैं, उनमें ज़्यादातर सूबे जो पाकिस्तान के बुनियाद हैं, जिन बुनियादों पर यह पाकिस्तान बना है, उन्होंने पाकिस्तान बनने के साथ साथ अपने अख्तियारात की मांग की है, लेकिन यहाँ आमिर और डिक्टेटर कुवतों ने उन्होंने सूबों को अख्तियारात देने के बजाय उन तारीखी कौमों के हैसियत को ख़त्म करके मार्शला लगा दिया और वन यूनिट लगा दिया। मैं समझता हूँ यहाँ जो इकाइयाँ हैं उसमें मैं फ़ख्र से कह सकूंगा कि सिंध सबसे पहले पहले था जिन्होंने पाकिस्तान के लिए रेजोल्यूशन पास की, लेकिन बदकिस्मती हमारी यह रही कि मुल्क बनने के साथ साथ यहाँ सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का कब्ज़ा हो गया। उन्होंने उन मुल्क बनाने वाले जो हमारे कायदीन थे उनको जेलों में डाल दिया और यहाँ इस मुल्क को चलाने के लिए, अपने इख्तदार को तूल देने के लिए यहाँ नजर पाकिस्तान, मजबूत मरकज और इस्लामी निज़ाम, मुख्तलिफ ऐसे किस्म के बातें की हैं जिनका आज 64 साल गुजर गए हमारे सामने है। उनकी कारकर्दगी नहीं, मजबूत मरकज भी हम उन्होंने नहीं बनाया, इस्लामी निज़ाम भी हमने नहीं देखा। हमने ये देखा उन्होंने करप्शन की, उन्होंने बदनामी की, उन्होंने इदारों को तबाह और बर्बाद किया और उन्होंने इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। वो 25 साल उनके रवैयों और उनके पॉलिसियों की वजह से 25 साल के अंदर बंगाल से बांग्लादेश बन गया। मैं समझता हूं इसी हवाले से इन सूरत हाल में आदमियों के हकूक छीने गए तो इस मुल्क के अंदर एक ऐसा पुरकशिश अजीम रहनुमा शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के सूरत में हमें मिला, जो अवाम के पास गया, जो गलियों कोचों में गया, जिन्होंने अवाम को ज़बान दी बात करने के लिए। और ये मुल्क जो बग़ैर आइन के चल रहा था, 73 का आइन, मुतफ़िका आइन उसने इस कौम को दिया और इस टूटे फूटे पाकिस्तान, जिसमें मैं कहूँगा उस ऐसी सूरत हाल में जहाँ हमारे 90,000 सोल्जर्स हिंदुस्तान के जेलों में थे और पाकिस्तान के कई हज़ार मुरबा इलाका जो है वो भी कब्ज़े में आ गया, लेकिन वो इसी सूरत हाल में भुट्टो साहब जैसी शख्सियत थी जिन्होंने शमला मुआहदा किया और उन हमारे अफवाज जो 90,000 जेलों में थे उनको रिहाई दिलाई और ये पाकिस्तान का वक़ार पूरे दुनिया में
मजरूह हो चुका था, उनको इस्तेहकाम दिया और यहाँ के सिंधियों, बलोचों, पख्तूनों, सराइकियों और सब कौमों में जो एक वहम विश्वे से थे कि हमने पाकिस्तान बना करके हमने कोई गलती की थी, तो उनको भुट्टो साहब ने एतमाद में लिया। लेकिन हमारी बदकिस्मती एक ऐसे अजीम शख्स को एक आमिर और डिक्टेटर ने जुडिशली मर्डर किया, शहीद किया अदालतों के जरिए। तो जनाब स्पीकर साहब, मैं ये अर्ज करूंगा, उसके बाद हमारे अवाम का, हमारे लोगों का अदालतों से भी भरोसा ख़त्म हो गया कि जब अदालतें एक मुंतखब रहनुमा को एक आमिर और डिक्टेटर के कहने पे शहीद करते हैं तो फिर इंसाफ कहाँ से मिलेगा। तो जनाब स्पीकर, उन अदलिया के आज़ादी के लिए, उन अदलिया के वकार को बहाल करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरे जमहूरियत दोस्तों के कुव्वतों के साथ मिलकर बहुत बड़ी जंग की, बहुत बड़ी जदोजहद की और अदलिया के वकार को बहाल करने के लिए कितने लोगों ने शहादतें पाई हैं। लेकिन जनाब स्पीकर साहब, तो आज भी मैं इस फ्लोर पे अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, हम जब अभी अपने हलकों में जाते हैं तो लोग फिर भी ऐसी बातें हमें सुनने में आ रही हैं, क्या अदलिया में कोई तब्दीली अभी तक नहीं आई है? जो एक सिंधी जज को अगर किसी जगह पे मुकर्रर किया जाता है तो उसको इसी वजह से निकाला जाता है कि उसका ताल्लुक सिंध से है। और ऐवान सदर में सिंधी सदर, जिन्होंने पाकिस्तान के बचाने के लिए अपना किरदार अदा किया, उस पर भी उनको हजारों लाखों केसों में एक ही सदर साहब के लिए उनको केस नजर आते हैं, क्या सिंधी सदर भी उनको नहीं चाहिए? और ये चीजें जनाब मैं उन लोगों का कर रहा हूं जिन लोगों के साथ हमारा वास्ता है, सुबह शाम उनसे मिलते हैं, वो देहाती लोग हैं, लेकिन एक पा आटे का वो खाते हैं, वो सब कुछ समझते हैं। तो लिहाजा हम ये समझ रहे हैं कि खुदारा हमारी अदलिया या हमारे इदारे ऐसी गलतियां न दोहराएं जैसे माजी में गलतियां की गई और उन गलतियों की वजह से हमें मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा, आधे से ज्यादा हिस्सा गंवाना पड़ा। हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए, हमें जमहूरियत के लिए, जमहूरियत को इस्तेकाम और मुस्तकम करने के लिए अपने बारी का इंतजार करना चाहिए। तो जनाब स्पीकर साहब, मैं ये अर्ज करूंगा, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इन 3 सालों में, मैंने जब अर्ज किया आपको कि 18th Amendment के जरिए कंकर्ट लिस्ट का खात्मा करके सूबों को अख्तियार दिए हैं और हमारे पख्तून भाई जो 64 साल से अपने नाम के लिए तरस रहे थे, जब खान बादशाह गफ्फार खान ने पख्तूनख्वा की बात की तो उनको काफर कह दिया गया, उनको मुल्क दुश्मन कह दिया गया। लेकिन ये एक हकीकत है कि पख्तून एक कौम है, ये एक हकीकत है कि सिंधी एक कौम है, ये एक हकीकत है कि पंजाबी एक कौम है, ये एक हकीकत है कि सराइकी भी एक अपने हक मांग रहे हैं। तो आज सराइकी की बात सराइकी कर रहे हैं, जावेद हाशमी साहब कर रहा है, हमारा जमशेद दश्ती साहब कर रहा है, ख्वाजा शिराज कर रहा है, रियाज पीरजादा साहब कर रहा है, मैं समझता हूँ हो सकता है जनाब स्पीकर साहब फैसल करीम कुंडी साहब भी कर रहा है। तो इसी वजह वो लोग मांग रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर कमेटी में एक बहस शुरू कर दी। तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे शहबाज शरीफ साहब ने यकदम एक उनको इतना गुस्सा आ गया, उसने सिंध के कराची की बात की सूबे की, तो मैं समझता हूँ उसने सिंध के लोगों की दिलादारी की है और उनमें से यह साबित उसने करने की कोशिश की कि हमें पाकिस्तान की सियासत से सरोकार नहीं है, हम सिर्फ जीटी रोड की करेंगे। मैं उनको गुजारिश करूंगा, खुदा रहा ऐसी बातें नहीं करो, आप अपने अवाम के पास जाओ, फैसले का इंतजार करो। आप कोई किसी के कहने पे आप कहते हैं अभी ये हुकूमत गिराना है, हुकूमत गिराने की बात नहीं है जनाब स्पीकर साहब, यहाँ हमें बाजी से सबक लेना चाहिए। यह मुल्क के वहदत का सवाल है, मुल्क के इस्तेहकाम का सवाल है। अगर आप किसी जमहूरी कुव्वतों से टकरा आ गई तो उसमें नुकसान किसको होगा? तो इसी वजह से मैं उनको यह अर्ज करना चाहता हूँ कि सिंध सरापा एहजाज बना हुआ है, लेकिन फिर कहा गया कि मैंने ये नहीं कहा। तो जनाब स्पीकर, हम सिंधी में कहते हैं कि दुधल खीर थणन में वापस न आए वेंदी,
यानी थनों से जो दूध निकलता है वापस नहीं जाता है, इंसान के जबान से जो लफ्ज निकलते हैं वो वापस नहीं जाते हैं। ठीक, तो इसी वजह से उन्होंने ये कहा है। तो वाइंड अप कर लेंगे जनाब, मैं एक मिनट में मैं ये गुजारिश करता हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमारे ऊपर मेहरबान हैं, ये आपकी नवाजिश है कि आप हमें टाइम देते हैं। तो बस ये सारे मेरे दोस्त कहते हैं कि कुछ सिंधी में, मैं इसे ख़त्म कर उनको कहता हूँ कि सिंध के लोगों से जंग मत लो, ये उनमें नुकसान आपको होगा। मैं आखिर में कहूँगा अगर जंग करोगे तो वो मैं ये कहूँगा, जंग 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 आए मुझी तो सा जंग, पलीत के पैर कर परे ही धरती मुझी नंग आए मुझी तो सा जंग। मैं शुक्रिया जी, हमायूं सैफुल्ला साहब जी। नहीं